अब देखिए ना, पूजो का टाइम है, खुशी का माहौल है, देवी माँ की मूर्ति आने वाली है और कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। इन सब के बीच में ऐसी खबर, ऐसी न्यूज, और खबर भी ऐसी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उस बात पे ध्यान मत दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। किसने क्या बोला, क्या सुना, कुछ मैटर नहीं करता। और एक बात बताओ, तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। उस लड़की को लेकर तुम अभी भी परेशान हो रहे हो। बाबा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि जनक नहीं मिल रही है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या? अनी तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हमें क्या पता जनक अगर शूट पे नहीं है तो कहां गई है? अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो हम उसे कॉल करके क्यों बोलेंगे कि तुम यहां गिर गए? और वैसे भी जनक कोई डॉक्टर है क्या? तो कहां गायब हो गई वो? जब भी उसे फोन कर रहा हूं बता रहा है कि द नंबर यू ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल। शूटिंग छोड़ के कहां चली गई वो? तो तुम ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? हो सकता है ना कि हमारा कोई दुश्मन हो जिसने जनक को कॉल करके कुछ गलत इन्फॉर्म कर दिया हो ताकि वो जनक को वहां से कहीं और ले जाए। अर्शी, और अब जहां अर्शी को तुरंत रोक लगाती है सृष्टि, आखिर अर्शी इतना सब कुछ कैसे बोल गई? आगे कुछ भी बोलने से पहले सोची तक नहीं। वहीं अनी के दिमाग की घंटी भी बज ही गई है। अर्शी, जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है ना, उसके बारे में नहीं बात करो। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। इतने साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तुम बचपन से काम कर रही हो, इतने लोगों को हम जानते पहचानते हैं, इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है ना, तो फिर जनक से कोई बदला क्यों लेगा? हाँ, अगर जनक ने खुद ने अभी दुश्मन पाल के रखे होंगे तो हमें पता नहीं, क्योंकि इवेंचुअली वो तो इंसान पे डिपेंड करता है ना। लेकिन हाँ, इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं बोलोगी क्योंकि तुम्हारी हर चीज गलत ही समझेंगे लोग। अनबिलीवेबल। और जहां अब अनी चले जाता है फोन करने, वहीं घर वाले देखते ही रह जाते हैं कैसे आज अनी एक बार फिर तड़प उठा है झनक के लिए। पर अब सृष्टि को आगे भी संभल कर बात करनी है। आर्शी के चक्कर में बहुत कुछ बाहर आ जाता। वहीं अब प्रोडक्शन बॉय गायब हुआ है, यही ना? नहीं सर, आप प्लीज जल्द से जल्द इस मुद्दे की तह तक पहुंचिए। सर देखिए, जाना कि शहर में नहीं है, वो शहर के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानती है और इस वक्त वो मिसिंग है। हमें इस बात का डर है कि कहीं वो किसी खतरे में ना हो, तो प्लीज आप जो भी करने वाले हैं थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए, अपन ने कमिश्नर काका को फोन किया है, वो इस मैटर को खुद हैंडल कर रहे हैं। जनक जी मिल जाएंगे। अनिता, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं मैं। छोटा जनक को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? उसे कुछ नहीं होगा अनिरुद्ध, डोंट वरी। लेकिन हमें सर पहले यह पता करना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। जी बिल्कुल। हाँ, और वो प्रोडक्शन वाला उसे वहां से क्यों ले गया अपने साथ? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। ऐसा कौन है जो झनक को नुकसान पहुंचाना चाहता है? अरे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं इस सबके पीछे तेजस्वी? हमें पता करना होगा तेजस कोलकाता में है या नहीं। तेजस? हाँ, हो सकता है ना, वो पहले भी तो यहाँ आया था, उसने पहले भी जनक को किडनैप करने की कोशिश की थी और काफी लोगों ने उसकी मदद भी की थी। मुझे पता करना होगा कि तेजस श्रीनगर में है या नहीं। एक मिनट, पता करता हूँ। मतलब आप किसे कॉल करेंगे? वीडियो कॉल करेंगे तेजस को। अरे चांस नहीं ले सकते अनी, अब ना हमारे से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अनी, सृष्टि जी घर पर है ना, सबके सामने उन्हें कहेंगे कि तेजस को वीडियो कॉल करें और पूछे वो कहाँ है। अगर वो कश्मीर में है तो बात अलग होगी, अगर वो वहां नहीं है तो हमें अलग तरीके से सोचना होगा। और अब छोटौन की हर एक बात कहीं ना कहीं सच है। उसका दिमाग एकदम सही दिशा में चल रहा है और आदित्य भी सुन रहा है इनकी पारिवारिक बातों को। मैं तो कहता हूँ पुलिस को तेजस के बारे में बता देते ना। जनक ने ये नाम लिया था मेरे सामने एक बार, उसने बताया था कि पहले भी वो किडनैप करने की कोशिश कर चुका है। आप सही कह रहे हैं, अगर अगर तेजस इस वक्त कोलकाता में हुआ
तो हो सकता है कि इन सब के पीछे वही हो। सर आप रिपोर्ट में तेजस का नाम लिखिए प्लीज। लिखता हूँ। और अगर ऐसा है तो फिर अपन को कमिश्नर काका को नाम बताना पड़ेगा। अरे वो खोज निकालेंगे इसे। हाँ लालो अनी हमें अभी घर जाना होगा। छोड़ो कहीं जनक बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई ना? नहीं। और अब अनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बच्चे की तरह छोटौन की आंखों में देख आश्वासन मांग रहा है वो। उसका दिल बैठा जा रहा है कहीं झनक को कुछ हो तो नहीं गया। तभी हेलो क्या जी हम आप आते हैं। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए मैं जनक को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालूंगा। मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट केस के लिए जाना पड़ रहा है। आप लोग अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज सर कोशिश कीजिएगा। जी अनी जनक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह होगी कि अगर वो तेजस उसे श्रीनगर ले गया तो और वो कहीं भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश कानून से चलता है और हम उसे बचाएंगे नहीं। हो सकता ना वो प्रोडक्शन वाला जनक को शूटिंग के बजाय कहीं और ले गया हो तेजस के कहने पर। और जितना मैं जानता हूं ये काम तेजस के अलावा कोई नहीं कर सकता। और अब अनी को भी पता है कि अगर तेजस है तो और कौन हो सकता है उसके साथ। पर अब छोटौन का ये कहने से घंटी तो बजी है सबके मन में। तो अब आखिर अब अनी कैसे सच उगलवाएगा अर्शी और सृष्टि से, क्योंकि तेजस से तार तो उनका ही जुड़ता है। बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आपको बताएंगे आज अनी क्या नहीं करता है झनक के खातिर उसके अनुपस्थिति में। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे की अपडेट्स के लिए। और जरूर कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की होगी पर मैं जानता हूं कौन। घर पर चलकर अच्छे से जवाब मांगूंगा उनसे। तू बस घर चल मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। अब जब तक झनक नहीं मिल जाती मैं अपने आप को इस मैटर से दूर नहीं रख पाऊंगा। चाहे मुंबई हो कोलकाता या कश्मीर अपने सारे कॉन्टैक्ट सोर्सेस और ताकत लगा दूंगा लेकिन झनक को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा मैं। मुझे लगता है अभी जल्दी हमें घर जाना चाहिए। छोटंदा फिर आप लोग सब घर जाइए अपन कमिश्नर काका को बता के आते सब कुछ।